आप देख रहे हैं महुआ खबर, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो कि सबने सुना है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है और आए दिन चर्चाएं भी होती रहती है, खासकर बिहार में। मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में है और चर्चा में चुनाव को लेकर है, लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर है। मनीष कश्यप ने खुद जवाब दिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, उनको कौन टिकट देगा और वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, किसको टक्कर देने वाले हैं। ये सभी जवाब खुद मनीष कश्यप ने दे दिए हैं और इसीलिए अब लोग सोच रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, क्या मनीष कश्यप अब इलेक्शन में उतरने वाले हैं, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन उनको टिकट देगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको समझा देते हैं कि मनीष कश्यप सबसे पहले सुर्खियों में काफी आए थे, वो पूरे तकरीबन 9 महीनों तक जेल में रहकर आए थे क्योंकि तमिलनाडु की सरकार ने उन पर जो आरोप लगाया था, फर्जी वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु में जो बिहार के मजदूर हैं उनकी फर्जी वीडियो बनाकर मनीष कश्यप ने वायरल की है। उसके बाद मनीष कश्यप पर NSA भी लग गया था, गिरफ्तारी हो गई थी, तकरीबन 9 महीने तक जेल में रहे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल कर आते हैं तो जो उनके समर्थक होते हैं लंबी चौड़ी लाइनें भीड़ लगी हुई नजर आती है, सड़कों पर जमावड़ा मनीष कश्यप के समर्थकों का लगा हुआ आता है और वो नारेबाजी भी करते हैं, यानी जन समर्थन मनीष कश्यप के साथ है, लोग मनीष कश्यप को पसंद करते हैं। मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, उनके वीडियोज लोग देखते हैं, इसीलिए फैन फॉलोइंग तो अच्छी खासी है, जो कि जब जेल से आए थे तो आपने देख ली होगी, उस समय प्रदर्शन भी हुआ था बहुत सारा जो समर्थकों की तरफ से किया गया था। अब बात आती है कि मनीष कश्यप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो जब मनीष कश्यप से पूछा गया कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे, कौन आपको टिकट देगा, तो मनीष कश्यप ने इसका जवाब देगा कि मुझे टिकट जनता देगी और मैं चुनाव जनता के लिए लड़ूंगा। अब उनसे पूछा जाता है कि जनता आपको कैसे टिकट दे देगी या कोई पार्टी टिकट देगी, जनता ने नहीं दिया टिकट तो क्या होगा, तो मनीष कश्यप यहां पर कहते हैं कि कैसे नहीं देगी, जनता ही तो हमको टिकट देगी और जनता ही हमको जिताएगी, हम जनता के लिए ही काम करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा खुलासा मनीष कश्यप ने कर दिया, उनसे जब पूछा गया कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो यहां मनीष कश्यप ने कहा कि वो चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात मनीष कश्यप की तरफ से कही गई है। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो माई बाप करते हैं और बिहार में राज किया है, जो अब तक करते आए हैं, लेकिन हम जनता की सेवा करेंगे, मैं जनता की सेवा के लिए चंपारण से चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे टिकट देगी। इससे आपको क्या लगता है, क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर मनीष कश्यप किसी पार्टी के संपर्क में हैं, उनको टिकट चंपारण से मिलेगा, या फिर मनीष कश्यप की अलग कोई रणनीति इस समय चल रही है चुनाव लड़ने को लेकर, और इसीलिए चुनाव को लेकर ये मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन उनको टिकट देगा, कमेंट करके बताइएगा।